हाजिर हैं उत्तराखंड उत्तर प्रदेश की खास खबरों के साथ। मुरादाबाद के थाना कुंदरगी नगर स्थित करबला के पास एक बंद पड़े मकान में टायर पंचर वाली का शव मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। घर के भीतर से दुर्गंध आने के बाद पुलिस को सूचना दी गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने दरवाजा तोड़कर जांच की तो शव मिला। बताया जा रहा है कि परिवार के लोग किसी रिश्तेदारी में गए हुए थे। फॉरेंसिक टीम ने भी अपने नमूने एकत्रित किए, लेकिन अभी तक मौत के कारणों का पता नहीं चल पाया है। पुलिस ने पंचनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, जिससे मौत के सही कारण स्पष्ट हो सके। पूरा मामला है, कैसे ये मौत हुई है? देखिए, एक कुंदर की कब्र में एक पुरुष की लाश मिली है, जिसमें अंदर से कुंडी बंद थी और बॉडी जो है संभवतः 3 से 4 दिन पुरानी है, क्योंकि उसमें से काफ़ी स्मेल आ रही थी और कोई चोट के निशान नहीं दिख रहे हैं। ऊपर से बॉडी सड़ने की अवस्था में है, क्योंकि गर्मी का टाइम है तो जल्दी बॉडी सड़ने लगती है। फील्ड यूनिट आई है और बॉडी का पंचायतनामा करके पोस्टमार्टम की कार्रवाई की। कुछ पता चला सर कैसे मौत हुई है? संभवतः आसपास के लोग बता रहे हैं कि ये जो है हार्ट अटैक वगैरह से इनकी मौत हो सकती है, क्योंकि कोई वैसा इनका ना किसी से कोई रंजिश थी ना कोई दुश्मनी, सीधे साधे आदमी थे और बॉडी जो है बॉडी पे कोई बाहर से कोई चोट का निशान नहीं। घर में कोई था नहीं सर जो 5 दिन से लगभग बता रहे हैं? नहीं, इनके घर वाले वाइफ और इनके बच्चे सब मायके में थे और ये कोई मोबाइल वगैरह यूज नहीं करते थे, तो ये बोल के आए थे कि मैं 8-10 दिन बाद ही मैं वहाँ आऊँगा। ठीक है।